हाँ तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए ऐसा क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपने आज तक नहीं देखा होगा शायद। ये क्वेश्चन ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कि बैंकिंग की, रेलवे की, ज़्यादातर बैंकिंग में ज़्यादातर पूछा जाता है क्वेश्चन को। उसमें से ऐसे चार बॉक्स दिए जाते हैं, उसमें क्या होता है, ऐसे चार बॉक्स में लास्ट में यहाँ पर एक डिजिट का फाइनल आंसर है जिस जो इस चार में से एक है। ए में एक है, यहाँ पर तीन है, दो है और छः है। तो हमें इसमें क्या करना है, ज़्यादा कर कुछ नहीं है ज़्यादा इसमें, देख लीजिए आप। पहले मैं अब फाइंड आउट करता हूँ उसको। देखिए, तीन अट्ठा तीन गुना आठ करने से 24 जवाब आता है, 24। तो यहाँ पर 24 लिख दिया है। 5 गुना 9, तो 5 गुना 9 कितने होते हैं, 45। तो 4 लिखते हैं, यहाँ पर 5 लिखते हैं। या 4 गुना 7, तो यहाँ पर उसमें आंसर आता है 28। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 8 है। 8 गुना 9, तो हमारा आंसर होगा 72। तो यहाँ पर 7 है और यहाँ पर हमें 2 लिखना है, जो यहाँ पर है सी में 2 है। तो यहाँ पर फाइनल आंसर आएगा 2। ऐसा ज़्यादातर एग्ज़ामों में पूछा जाता है और सब लोगों को नहीं आता। कुछ ही लोग होते हैं जिन्होंने पहले ट्राई किया होता है क्वेश्चन में, उन लोगों को ही फाइनल आंसर आ जाता है। बाकी को क्या होता है, बाकी लोगों को उसमें टाइम बहुत बिगड़ता है। तो यह बहुत ही बेस्ट सम्स है गवर्नमेंट के लिए, वो बच्चों को इसमें बहुत टाइम बिगाड़ने के लिए देते हैं। तो आज का ये सम मैं लेके आया था, आपको शायद अच्छा लगा हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं और ज़्यादा बेहतर, इससे बेहतर ही सम्स लेके आऊँगा। बाय।